झारखंडी मंदिर। सिस्टर शारदा का हाथ पकड़ रहा है। बलरामपुर में आ गई है बाढ़ और हम लोग जा रहे हैं बाढ़ देखने, पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाढ़ ग्रसित एरिया देखने। तो हमारे बलरामपुर में आ गई है बाढ़। ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन कभी बाढ़ देखी नहीं है, तो आज पति देव जी हमें और सृष्टि को बाढ़ दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं तुलसीपुर रोड की साइड, और इधर ये देखिए मैंने जूम करके दिखाया आपको बाढ़ का पानी कितना आगे तक आ गया है। और यहाँ पे बैरिकेटिंग हो गई है, कल तक रास्ता खुला हुआ था लेकिन अब बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। ये देखिए नाव की व्यवस्था भी हो गई है, और जो गांव वाले हैं उनके लिए बहुत ही मुसीबत का समय है इस टाइम। और आप लोगों से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या से हम सबको निवारण मिले, क्योंकि देखिए पूरी खेती खराब हो गई है। और ये देखिए यहाँ पे बैरिकेटिंग लगी हुई है, इस उस पार हम लोग नहीं जा सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे साइड जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, झारखंडी मंदिर की साइड। तो बस यहाँ पे बस इतना ही सा था, और बहुत लोग आ रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो बाढ़ आई थी वो 2014 में आई थी, और उस टाइम तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि चलो चलते हैं देखने के लिए कैसे, मतलब कैसा है। बाकी लोग भी आ रहे थे, सभी देखने के लिए आ रहे थे जो लोग नहीं जानते हैं। और 2014 में जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे बलरामपुर में, मैं पहले कानपुर में रहती थी, तो जब यहाँ पे आए थे तब बाढ़ आई थी। तो चलिए दोस्तों अभी हम आपको ले चलते हैं झारखंडी मंदिर की तरफ, जो लोग बलरामपुर में रहते हैं उन्हें पता होगा। तो चलिए अभी वहाँ पर ले चलते हैं आपको, वहाँ भी आपको दिखाते हैं बाढ़ का क्या हाल है। ये देखिए रास्ता बंद होने की वजह से सारी गाड़ियां इधर खड़ी हुई हैं। कार पूरी डूबी हुई थी, निकल गया। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं बहराइच रोड, और झारखंडी मंदिर अभी मैंने आपको दिखाया। इससे पहले मैं यहाँ पे जन्माष्टमी में आई थी तो मैंने आपको ये मंदिर दिखाया था, शेयर किया था आपके साथ में। और यहाँ के हालात देखिए, पानी ही पानी है, कितना ज़्यादा पानी है, बाढ़ आई हुई है। और इधर साइड में है हमारा बस अड्डा, ये इधर रास्ता है बस अड्डा जाने का। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप कितना पानी भरा हुआ है, बहुत ही बुरी स्थिति है। जिधर अपनी जमीन वमीन उधर तो वो होगा सब पूरा। हाँ अरे यार पूरा देखो, अंदर गली गली में पानी पूरा। Thank you.
ट्रेन नहीं आती क्या? तो ये देखिए अभी हम लोग आ गए हैं अपनी छत पे, और अभी मैंने जहाँ पे आपको दिखाया था रेलवे ट्रैक के किनारे, तो वो इधर है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए रेलवे ट्रैक दिख रहा है, वहाँ पे सब जा रहे हैं। तो उस पार बाढ़ आ गई है और पानी अभी इधर नहीं आया है। बारिश अगर और ज़्यादा होती तो बाढ़ इधर भी आ सकती है। ये देखिए बाढ़ देखिए कहाँ तक आ गई है, पहाड़ गायब हो गए हैं। कल बिल्कुल साफ दिख रहे थे पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़। आज मौसम ख़राब है, इस वजह से पहाड़ नहीं दिख रहे हैं। और ये जो बाढ़ का पानी है नेपाल से छोड़ा गया है, वहाँ पे जो डैम है पानी वहाँ पे ज़्यादा हो गया तो इधर छोड़ दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे देखिए बाढ़ आ गई है हमारे बलरामपुर में। अभी इस पार नहीं आई है जिधर हमारे घर बने हुए हैं, लेकिन उधर सब खेती होती थी, सब पूरी फसल ख़राब हो गई है, पूरे सब खेत में पानी भर गया है। यातायात के साधन जो हैं बाधित हो रहे हैं। और सबसे पहले मैंने आपको जहाँ दिखाया था वो तुलसीपुर रोड की तरफ का रास्ता था, उधर भी सब बंद हो गया। कल तक खुला था लेकिन आज सब बंद हो गया क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा आ गया है। और दूसरा मैंने आपको दिखाया था झारखंडी मंदिर की तरफ का, उधर भी पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन उधर रास्ता नहीं बंद किया गया है। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा और आ जाता है तो उधर भी रास्ता बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं 4:15 हो रहा है और बाहर का मौसम देखिए। बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और अभी देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है इधर के। ये देखिए मोबाइल से मैं शूट कर रही हूँ तो कैमरे में थोड़ा दिख रहा है कि रोशनी है, लेकिन बैक कैमरा जब मैं देख रही हूँ तो पूरा अंधेरा छाया हुआ है, पूरे आसमान में काले काले से बादल हैं। ये रहा हमारे बलरामपुर का छोटा सा अपडेट। इस समय यहाँ पे बाढ़ आई हुई है और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि पहली बार ये बाढ़ मैंने देखी है यहाँ पे। एक बार और आई हुई थी तब मैं इतना ज़्यादा जानती नहीं थी, लेकिन इस बार हस्बैंड ने बोला चलो उनको बाढ़ दिखा लाते हैं, तो बस वही देखने गए थे और सोचा आप लोग साथ में शेयर भी करते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।